प्लस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड इवनिंग टू ऑल। टाइम हो रही है अभी शाम का 6 o'clock हो रही है और मैं थोड़ा देर के लिए अभी फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बोर लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। तो अभी जस्ट एक लिपस्टिक को अप्लाई किया है, एक नया वाला सेट को ट्राई कर रही थी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लगाने के बाद। एंजल भी यहाँ पर थोड़ा सा रेडी हो चुकी है, मामा से हाय। आज इसका ये है नया हेयर स्टाइल। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह से कुछ कुछ उसको हेयर में मैं कर लेती हूँ क्योंकि छोटी सी बच्ची है और लड़की है, स्पेशली लड़कियों को तो जितना भी सजा उतना कम ही होती है, तो इसलिए मैं उसके हेयर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। जो भी अच्छा लगता है वो रखती हूँ, नहीं तो फिर से दोबारा उसको बालों को जो है सेट कर देती हूँ। और अभी जाऊंगी अंजल को थोड़ा सा दूध और जो चोकोस होता है, हाँ चकोस या कॉम्फ्लेक्स इस तरह से कुछ डाल के दूंगी क्योंकि उसका इवनिंग स्नैक्स नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा लाइट करती हूँ और 9 बजे तक उसका डिनर भी हो जाता है। आज मैं सोच रही हूँ कि डिनर में उसको रोटी ना खिलाऊं क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार वो रोटी खा रही थी। रात में मैंने उसको चावल नहीं देती हूँ, दलिया वो आजकल इतना ज्यादा पसंद नहीं करती है, तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि आज उसके लिए खीर बनाऊंगी। और साथ ही साथ उसका जो थोड़ा सा तबीयत था वो बहुत ज्यादा मीन्स खराब हो गया था बीच में, कल से उसका तबीयत जो है काफी ज्यादा बेटर है। बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा जुकाम हो गया था, तो जुकाम की वजह से वो बहुत ज्यादा इस तरह से सैड सैड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया था इसलिए। और कल इस तरह से सडनली प्लान हुआ था डीमार्ट जाने के लिए, तो हम लोग कुछ चीजें नहीं था घर में क्योंकि जो मसाले वगैरह होता है, दाल वगैरह, चीनी, ये सब खत्म हो गया था, थोड़ा सा ग्रोसरी के लिए गए थे डीमार्ट और वहां पर ग्रोसरी लाने के बाद वहीं पर ही मैंने रख दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं बैग के अंदर है, ये सारे भी समेटना है। तो अभी मेरे पास 1 आवर का टाइम है क्योंकि मैं 7:30 बजे डिनर कर लूंगी, 7 से 7:30 बजे, उसके बाद 8 बजे मुझे नीचे भी जाना है। तो सारा जो इवनिंग का प्लानिंग है मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दिया है, पता नहीं आगे से आप लोगों के साथ बात कर पाऊंगी या सिर्फ वॉइस ओवर दूंगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर बहुत ज्यादा थकान लगता है तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाऊंगी, तो इसकी वजह से छोटा छोटा अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए, और ये जो वीडियो है ना मैं नया मोबाइल से शूट कर रही हूँ और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। लाइटिंग का आई थिंक मुझे पता नहीं है लाइटिंग ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो आप ही कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है अभी, और पहला वाला जो मोबाइल था बेटर है या ये वाला जो मोबाइल है वो बेटर है। तो कर्टन का कलर आप लोग देख सकते हैं ना, उस मोबाइल में थोड़ा सा मीन्स विजिबल नहीं हो रहा था, बट ये जो मोबाइल में बहुत ज्यादा विजिबल हो रही है। कलर आप लोग देख सकते हैं लाइट क्रीम कलर का है और प्लांट भी देखिए कितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं, फिर से दियावती भी मुझे करना है, 6:30 के करीबन मैं दियावती करूंगी और जो शाम का दियावती होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इवनिंग रूटीन। तो बहुत सारा व्यूअर्स ने मुझे पूछ रहे थे कि मैं एंजल की जो हेयर का ग्रोथ है किस तरह से टेक केयर करती हूँ, किस तरह से उसको बाल बनाती हूँ और किस तरह से जो बाल है वो हेल्दी रहता है। तो आजकल मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि एंजल बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी, उसके बालों में बहुत ज़्यादा टेंगल आ जाता था, तो टेंगल की वजह से बहुत अच्छे से मैं बाल को कोम भी नहीं कर पाती थी। तो रिसेंटली मुझे पता चला ये मामा अर्थ की डिटेंगल हेयर स्प्रे के बारे में, ये स्पेशली किड्स के लिए है और 6 मंथ+ बेबीज इसको यूज कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री होता है और स्पेशली नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये लोग मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है वो बनता है, और इसमें जो है ये बीट रूट और एलोवेरा के साथ आता है जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और स्पेशली मामा अर्थ का जो सारा प्रोडक्ट है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस्ड है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री होता है, मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट से होता है और इसमें सिलिकन नहीं होता है, पैराबिन नहीं होता है, जो भी केमिकल्स वगैरह होता है जो कि बच्चे को हार्म भी कर सकता है वो इसमें नहीं है। तो ये मुझे
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जो भी बालों में टेंगल होता है वो ईजिली डिटेंगल हो जाता है, ईजिली निकल जाता है और मैं ईजिली उसको बालों को अच्छे से कोम कर पाती हूँ। नहीं तो बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब हम लोग बच्चे का बाल कोम करते हैं तो बहुत ज़्यादा घिसता है, वो बहुत ज़्यादा उनको पेनफुल होता है। तो ये स्प्रे यूज़ करने के बाद मुझे ये बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया। और साथ ही साथ मामा अर्थ एक ऐसा प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जो कि दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो सारे इन्ग्रीडियंट है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, तो आप इजीली इसको सेफली अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिटेंगल्स फ्री है, ये रिड्यूस करता है बालों की फ्रिजनेस को, टेंगल जो है वो डिटेंगल करता है, बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और हेयर में जो ब्रेकेज होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसको ईजिली ऑनलाइन में भी ले सकते हो। इसका जो परचेज लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये इजिली मामा अर्थ की वेबसाइट में, अमेजन में, फास्ट क्राई में इजिली अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप स्क्रीन में मेंशन किया गया ये कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और एंजल को देखो, एक एक करके सारे जो चीज़ें हैं बैग से निकाल कर यहाँ पर सोफा पर पूरा ट्रेन की जैसे लंबा लाइन लगा चुकी है। और सुबह पानी के साथ खेलते खेलते पानी पूरा गिर गया है यहाँ पर, पूरा जो सोफा है वो गीला हो चुका है। ये है उसका नया फ़ोन जो कि कल ही घर पे आया है। उसका खिलौना बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो इसकी वजह से एक एक वो खरीद रही है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में था, आई थिंक 50 रुपीज़ का कुछ था। डी मार्ट में हम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, छोटे छोटे बच्चे के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा अच्छा मीन्स टॉयस वगैरह मिल जाता है। मामा, और उसका है ये नया रूप, कल से ये माली को पहन के रखा है। बिल्कुल भी मीन्स मैं निकाल देती हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दूधी कॉर्नफ्लेक्स खाइबो? दूधी कॉर्नफ्लेक्स खाइबो? फीलिंग हंग्री? फीलिंग हंग्री? ओके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक चना की रेसिपी। ये जो चना है ये मिक्स चना है, यानी मिक्स पल्सेस के साथ मैंने ये करी बनाया है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और रात में भी हम लोग यही खाने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लंच के लिए बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ऑयल में बहुत सारे जीरा डाला है, जीरा में करी लीव्स डाला है। उसके साथ मैंने एक पेस्ट बनाया था जो कि टमाटर, ओनियन और गार्लिक और जिंजर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया था, उसको डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी जब ये मसाला थोड़ा सा तेल सेपरेट होने लगेगा। उसके बाद मैं सारे जो ड्राई स्पाइसेस है उसको डाल रही हूँ। ड्राई स्पाइसेस इन द सेंस मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ जो कि है कश्मीरी रेड चिली मिर्च। उसके बाद डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल रही हूँ। और आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और कुछ मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने बॉईल करके रखा था थोड़ा सा चना। ये जो चना है मैंने मिक्स करके बनाया था, थोड़ा सा राजमा लिया था यानी किडनी बीन्स लिया था, थोड़ा सा जो छोले है वो लिया था और उसके साथ जो काला चना है उसको भी लिया था, थोड़ा सा ग्रीन मटर लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। 2 सीटी तक आपको बॉईल करना है। तो बॉईल किया हुआ चना को मैंने यहाँ पर डाल दिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। और ये जो हेल्दी करी है वो बन के रेडी हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है रोटी की और चावल के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शाम का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी अंजल को यहाँ पर दूध के साथ जो चक्कस होता है उसको भिगो के मैं खिला रही हूँ। और उसके बाद मैं आऊँगी यहाँ पर दाल को तड़का लगाने के लिए, क्योंकि दाल को जो मैंने सुबह में तड़का लगाया था वो थोड़ा सा मैंने तड़का लगाती हूँ और बाकी जो दाल है उसको फ्रीज में रख देती हूँ और उसके बाद में फिर जब डिनर के टाइम पर तड़का लगाती हूँ। मुझे तड़का लगाना जो दाल है बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो इसकी वजह से मैं ये प्रोसेस को दिन में 2 बार करती हूँ। आप चाहे तो एक बार भी लंच के टाइम पर कर सकते हैं। पहले मैंने किया था बट मुझे बिल्कुल भी जो फ्लेवर है उसको अच्छा नहीं लगा था, तो इसकी वजह से जो तड़का वाला दाल है मैं सेकेंड टाइम अभी बनाऊँगी। और उसके बाद किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि किचन ऑलमोस्ट क्लीन था, फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ
गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा मेस दिखता है। जो भी छोटे मोटे जो टुकड़ा होता है खाने का वो सब गिर गया था तो बहुत ज़्यादा मेस लग रहा था। तो अभी ये दाल को तड़का लगाने बाद मैं किचन को क्लीन कर दूंगी, सारे बर्तन को भी मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा था। तो फाइनली सारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। काम इन द सेंस क्या, जो भी सुबह का करी वगैरह था और दाल था वो सब तड़का मैंने लगा दिया है। करी को ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ। अंजल के लिए खीर बैठा के आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पे क्या किया जाए, क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो चुका है। कल मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं, मीन्स बाहर का जो चिकन वगैरह होता है वो सब खाते हैं। बट 2-3 हफ्ते हो गया है हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं खाए थे, क्योंकि मैं डाइटिंग में हूं तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ और मेरे वजह से हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो आज वो आने के टाइम पर लेके आ रहे हैं चिकन, और भाई भी अभी कॉल किया था वो भी लेके आ रहा है बिरयानी। तो मेरा जो खाना है वो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाला है आज, तो इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम पर, क्योंकि बिना बताए ये सब आपने आपने आपस में बात करते हैं और कुछ कुछ भी डिसाइड कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इतना सारा खाना है, जब कुछ भी नहीं होता है तो मुझे बनाना पड़ता है, और आज है बट ऊपर से खाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो बट क्या करेंगे, कल सैटरडे है, यही खाना मैं सबको खिलाऊंगी, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। इतना सारा करी है और करी जो है ना इतना ज्यादा टेस्टी बना था, आप जरूर एक बार ट्राई करना। ये आजकल मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करती हूँ। पहले सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा कुछ स्किन केयर करूंगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट मैंने नया लिया है। तो चलिए स्किन केयर करते हैं और ये जो सारा जो छोटा मोटा जो मेकअप है उसको रिमूव करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और टाइम हो रही है अभी 11:10 हो रही है। अभी जस्ट सारा जो काम है, डेली रूटीन था, वो सब खत्म हुआ, और सुबह सुबह आज बहुत ज्यादा मीन्स इस तरह से टायर्ड लग रहा था। 6:45 इस तरह से मैं उठ गई थी। उसके बाद और थोड़ा सा लेट गई और 7:30 बजे उठी और दूध को गर्म किया, फिर एंजल का टिफिन और सारे लोगों के लिए पराठा बनाया। सारे लोगों इन द सेंस हस्बैंड और भाई के लिए बनाया था। कल वो लोग लेके आए थे, हस्बैंड लेके आए थे ग्रिल चिकन और भाई लेके आया था बिरयानी। तो हम लोगों ने इस तरह से मजा करके करके खाए। खाना जब फिनिश हुआ फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग को कंटिन्यू करना चाहिए था और थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए था, बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और इस तरह से बैठ के तीनों हम लोग बात कर रहे थे, टीवी भी चल रहा था, अंजल भी उस तरह से यहाँ इधर उधर हो रही थी, तो उसके चक्कर में पूरी तरीके से भूल गई। कभी कभी इस तरह से होता है ना कि हम लोग फैमिली के साथ सारा जो चीजें होता है वो सब भूल जाते हैं, तो इस तरह से मेरा भी हुआ था कल। मैं बिल्कुल भी कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि चलो कल सुबह ही आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज का जो ब्लॉग जो कल का जो ब्लॉग था थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो आज मैंने मेरे लिए बनाया है ये स्प्राउट्स का चीला, और उसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा टमाटर सॉस। और हस्बैंड और भाई गए हैं बाहर थोड़ा सा फीस लेने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरा जो फीस टैंक था ऑक्सीजन की वजह से 7 फीस मेरा डेड हो गए थे। बहुत ज्यादा बुरा लगा था उस दिन। मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं किया था, ओरिया में किया था, मीन्स मेरा जो दूसरा चैनल है उस चैनल के लिए कर रही थी। तो मैंने देखा कि 6:30 बजे मैं हमेशा उठती हूँ, तो उठने के बाद दूध को यहाँ से कलेक्ट करती हूँ, फिर जाके मछलियों को थोड़ा सा देखती हूँ। तो मछलियों को जब मैंने देखा तो 7 फीस मेरा इस तरह से डेड होके पूरा उल्टा होके पड़े थे। बहुत ज्यादा बुरा लगा, पता नहीं क्या हुआ था रात में। ऑक्सीजन का जो पाइप था वो बंद हो गया था, मोटर खराब हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर हम लोगों ने सुबह उठ के फिर सारे को क्लीन किए, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो हस्बैंड आज गए हैं थोड़ा सा फीस लेने के लिए, और एक्वेरियम का जो लाइट था वो भी खराब हो चुका है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, घर में अगर हम लोग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो उसको लिए तो ठीक से निभाना भी चाहिए। तो हस्बैंड और भाई गए हैं दोनों बाइक में, और मुझे बुला रहे थे, मैं मना कर दी, क्योंकि एंजल को लेके पूरा दिन रहना बाहर ठीक नहीं है, और उसको थोड़ा सा कोल्ड जुकाम इस तरह से हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक आपने नहीं किया है तो, और आप मेरे वीडियो को कोई भी सोशल साइट पर शेयर भी कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी। को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप लिंक के थ्रू जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है एज ग्रुप और एक है फोन नंबर, दोनों को ही आपको देना है। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको होम पेज यहाँ पर दिखेगा। होम पेज में यहाँ पर सारे होम डेकोर के आइटम, क्लॉथिंग के आइटम, बहुत सारे से इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट को आप अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फेसबुक में या व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करने के लिए आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल की जरूरत है। सोशल मीडिया पर जितना भी आपके ग्रुप है उसमें से आप शेयर कर सकते हो। पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग भी यहाँ पर सेंड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है। और चाहे तो आप पूरा जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को पसंद आता है तो आप उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो। मेसो ऐप में यहाँ पर प्राइस दिया गया है, बट उस प्राइस को आपको चेंज करना है। चेंज करके आपको इसी प्राइस के साथ एक मार्जिन को सेट करना है, वही मार्जिन आपका प्रॉफिट होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लाइंट डिटेल्स डालना है और ऑर्डर को प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले यहाँ पर पेमेंट मेथड को आपको चूज करना है। पेमेंट मेथड यहाँ पर दो तरीके से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सीओडी भी अवेलेबल है। अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ प्रोडक्ट का डैमेज होता है या प्रोडक्ट इशू कुछ रहता है तो आप 7 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो सारा प्रोसेस है वो मेसो टीम हैंडल कर लेते हैं, और मेसो टीम ही डायरेक्टली क्लाइंट को वो चीज डिलीवर कर देते हैं। डिलीवर के बाद जो भी इशू होता है, क्लाइंट इशू जिस जैसे एक्सचेंज, रिटर्न, ये सब भी मेसो टीम हैंडल करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इनकम होता है, जो भी मार्जिन अमाउंट होता है, वो विद इन 7 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो हुई ना बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस एंड करने के लिए, जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप और अपना अर्निंग को स्टार्ट कीजिए।